आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि श्वेत प्रकाश कांच और वायु के अंतरापृष्ठ पर आपतित होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि हरे रंग का प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो तब वायु में निर्गत हुई किरण कौन कौन सी होंगी, ये हमसे पूछा गया है ना। तो इसके लिए जो आपके पास में विकल्प है वो है आपके पास में ये अ, ब, स और ये द। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि ये है हमारे पास में, इसका अपवर्तनांक है म्यू वन, इसका अपवर्तनांक है हमारे पास में म्यू टू, है ना। और ये जो है ये आई सी पर आपतित होता है, यानी कि ये कौन सा है, क्रांतिक कोण, जहां पर इसका पूरा का पूरा ये पूर्णांतरिक परावर्तन हो गई। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो हमारा दृश्य प्रकाश जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास में वी आई डी जी वाई ओ आर, है ना। और आप अपवर्तन की शर्त भी जानते हो, अपवर्तन की शर्त क्या होती है, वो होती है हमारे पास में म्यू टू बटे म्यू वन जो होती है वो बराबर होती है हमारे पास में साइन आई बटे साइन आर, और यही बराबर होता है हमारे पास में वी वन बटे वी टू, और यही बराबर होता है हमारे पास में लेमड़ा वन बटे लेमड़ा टू के, और ये होता है हमारे पास में बच्चों नियतांक, है ना। यानी कि जिसके लिए म्यू ज्यादा, है ना, या फिर ऐसे करके देख लो, जिसके लिए लेमड़ा ज्यादा, यहाँ से जो नियम हमारे पास में निकल के आ रहे हैं वो क्या क्या निकल करके आ रहे हैं, वी जो है वो समानुपाती होगा लेमड़ा के, है ना, और जो लेमड़ा है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके बच्चों, म्यू के। ये दोनों चीजें हमारे पास में यहाँ से निकल के आ रही है। देखिए ध्यान से, म्यू टू बटे म्यू वन है, लेमड़ा वन बटे लेमड़ा टू, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जिसके लिए म्यू ज्यादा उसके लिए लेमड़ा ज्यादा, है ना। और हमारे पास में जो होता है वो क्या होता है, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू वन अपॉन लेमड़ा, है ना। और साथ में जो हमारे पास में ये होता है साइन, जो हमारे पास में इसके लिए शर्त होती है ना, साइन आई सी बराबर क्या होता है, म्यू होता है ना। साइन आई सी बराबर क्या होता है, म्यू होता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब हम इधर से इधर चलते हैं, है ना, तब हमारे पास में जो तरंग दैर्ध्य लेमड़ा जो होती है वो क्या होती है बच्चों, बढ़ती है ना। लेमड़ा बढ़ती है, लेमड़ा अगर बढ़ती है तो इस दिशा में जाने पर म्यू क्या हो जाएगा, कम होगा। म्यू क्या होगा बच्चों, वो कम होगा, है ना। म्यू कम होगा तो ध्यान से देखिए बच्चों, म्यू कम होगा जिनके लिए म्यू कम होगा उनके लिए आईसी का मान भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। उनके लिए आईसी का मान भी क्या होगा, इनके लिए कम होगा, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे को यहां से क्या पता पड़ रहा है कि जब ये श्वेत प्रकाश की किरणें यहां से जाती है ना, सॉरी बच्चों, यहां पे ध्यान से देखिए, साइन बराबर, अरे रे रे रे, यहां पर गलती कर दी है। साइन बराबर जो होता है ना वो होता है हमारे पास में वन अपॉन म्यू, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो जैसे जैसे इधर की तरफ में क्या होता है, लेमड़ा बढ़ता है तो म्यू का मान क्या होता है बच्चों, कम होता है। और म्यू का मान अगर कम होगा तो आईसी का मान क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, यानी कि आईसी जो होगा ज्यादा होगा इन वालों के लिए, है ना। यानी कि अभी तक, यानी कि जो आईसी का मान होगा, तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे कि जो हमारे पास में क्रांतिक कोण होते हैं वी आई डी जी वाई ओ और आर के लिए, तो क्रांतिक कोण है सी 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 सी, है ना। तो इनके लिए ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होता है हमारा किसके लिए, ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा होता है लाल के लिए, उससे कम हमारे नारंगी के लिए, उससे कम पीले के लिए, उससे कम हरे के लिए, उससे कम हमारे इसके ये क्या नाम है, ये हमारा नीला, उसके बाद में ये हो गया हमारा इंडिगो, और ये हो गया हमारा बैंगनी, ठीक है बच्चों। तो इन इन कलर के लिए होता है। अब अभी तक जो आया है ना, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आईसी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ेगा। यानी कि अभी तक जो 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 किरणें यहां तक, ये आईसी का मान बढ़ा है ना। अगर आईसी का मान में छोटा कर दो, मान लो ये वाला छोटा छोटा हो गया, तो मतलब कौन सी वाली किरण परावर्तित हो गई होगी, वो हो गई होगी हमारी ये वाली, है ना, ये वाली और ये वाली। लेकिन जब
मतलब कि अभी तक जिनका जिनका परावर्तन हो चुका है वो कौन कौन सी है? एक तो वो है वी, एक आई और एक डी, यानी कि जो इधर की तरफ में जो किरणें निकलेंगी वो कौन कौन सी निकल चुकी है? वी निकल चुकी है, एक आई निकल चुकी है और एक बी, ये बी निकल चुकी है। एक तो ये बी, ये आई और ये बी का पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया है, लेकिन अभी तक थीटा आई सी जो है वो जो है ये अभी तक इनके लिए पहुंचा नहीं है, यानी कि ये वाली क्या है बच्चों, ये बाहर निकल गई होगी। ध्यान से देखिए बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है ना। ये एक किरण है ना, ये वाली दूसरी किरण है और ये वाली हमारी जो है तीसरी किरण जो है ये वाली। ये कौन कौन सी है भाई? बी आई बी, ये जी है, ये वाई ओ आर। तो कौन कौन सी निकल चुकी है हमारी? हमारी निकल चुकी है पीली, नारंगी और लाल। तो जो हमारा सही जवाब है वो है पीला, नारंगी, लाल, अ जो है वो एकदम सही जवाब है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।